हेलो गुड मॉर्निंग तू तो काटी दे लूड़ी तू कौन काटी को जी। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज तू उठे दे लूड़ी ले, उठी वो जाके उठा देते हैं उसको, फिर बोलती है कि उठा दो उठ के उठा दो। तो यहाँ पे बेबी का हमारा घर पूरा तहस नहस जगह बड़ा है। कल मैंने भाई के जो डॉल अच्छे हैं जैसे सॉफ्ट टॉयज वगैरह है, ये वाला बॉक्स मेरे को आया था, मुझे ये कार्टून्स की कमी हो रही है। तो ये बात जब मैं आया था, बहुत बड़ा सा बॉक्स है, तो इसमें मैं सारे माई के सॉफ्ट टॉयज पैक कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके रखा है, साफ साफ करके इसको पैक कर देंगे, एंड बाकी सारे मैंने इसे बैग में भर्ती करके रखा हुआ था। ये कुछ कुछ यहाँ पे है, बस्ता में एक और है, तो पूरा घर ही फैला हुआ है पैकिंग 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 में। तो थोड़ा थोड़ा मम्मी जब तक है तब तक कर लेंगे पैकिंग थोड़ा बहुत। ये रूम ठीक है, तो उसका टॉयस वगैरह सब कुछ पैक हो रहा है माही का, एंड बाथरूम मैं दिखाती हूँ। बाथरूम एक्चुअली बहुत पहले ऑर्डर करा था, मतलब डिलीवरी के बाद करा था, आने में बहुत लेट लग गया। काफ़ी बड़ा बाथरूम है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा। ये वाला ना मेरा थोड़ा थोड़ा लाइट हो रहा है, बट मैं बहुत अच्छे से नहा नहीं पा रही हूँ। एक तो गर्म पानी में नहाने के लिए मम्मी बोलती है, यहाँ पे ये टेम्परेचर में गर्म पानी बहुत मुश्किल होता है नहाने में, एंड इतनी जल्दी जल्दी नहाना पड़ता है ना, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने अभी भी मेरा स्टिच थोड़ा बहुत ऐसे ओपन हो रहा था, सो मेरे मेडिसिन चेंज करके। हाय बेबी, हेलो। ये वाला मुझे ऑइंटमेंट दिया उन्होंने लगाने के लिए, ये वाला भी चेंज करा, एक थिक लेयर लगाने के लिए बोला। ओलू कौन हला तू उठे दिलू ना, हाँ कौन हला। ये महेंद्र का डेली का जॉब है, उसको बर्प करवाने का, उसको आधा घंटे लगता है एक बर्प लाने में इसके साथ। अरे ऐसा सोता है पूरे दिन, सुबह 5 आज के तरह उठते लैसे 5:30 हाँ 5:30 नहीं। कितना उसको उठा लो उठेगा ही नहीं वो। आज सुबह वो 3 बजे पहले उठा, एक बार फीड कर, 3 बजे पहले वो उठा फीड करने के लिए, फीड करके फिर सो गया, फिर उठा वो कितने बजे पता है, 2:30 या 3 बजे करीब ऐसे बीच में उठा था, फिर 5:30 को ऐसे उठा एक बार, फिर सुसु पॉटी फीडिंग सब कुछ उसका हो गया, 8 बजे जाकर वो सोया होगा, तब से वो सो रहा है। एंड वो जो सुबह की जो देखो, एक होता है ना कि रात को अगर आप लेट भी सोते हो ना तो लेट उठ जाओ तो प्रॉब्लम नहीं है, या तो फिर एक साथ ही 5-7 घंटे की नींद ले लो, 5 घंटे भी ले लो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो जो इधर हर 2-2 घंटे में उठना होता है, एंड आपको वो अर्ली मॉर्निंग इतना मस्त सा नींद आता है ना, एंड अभी आदत चला गया माही के टाइम पे, फिर थोड़ा आदत हो भी गया था, अभी स्कूल नहीं कुछ नहीं, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे लेट सोना लेट जगना, और वो 8 बजे तक जो ऐसे जग के रहता है ना, मतलब मेरी आंखें ऐसे ऐसे हो जाती है, मतलब कि मैं सो जाऊंगी। अभी क्या पता मैं पूरा दिन सो भी जाती हूँ ना तो प्रॉब्लम नहीं हो, इसी के लिए मैं किसी को उठाती भी नहीं हूँ, एंड मम्मी भी इतना काम, और पूरा दिन वो काम करती रहती, इसी के लिए मम्मी को भी नहीं उठाती। महेंद्र बेचारे वो उठते हैं रात में, कभी कभी बीच में उठ के आते हैं कि क्या हुआ ये वो करके, एंड उनका भी ऑफिस रहता है तो उनको भी नहीं उठाती मैं बहुत ज़्यादा। आज सुबह वो जब ऐसे उठ के ऐसे कर रहा था पूरे एकदम बड़े बड़े आँख करके, एंड मुझे लग रहा है कि आंखें उसकी मेरी आंखों की तरह गए, लेट्स सी क्या होता है। देखो पता चलेगा। एंड वो ऐसे आंख करके पूरा विंडो जब तक हमने लाइट ऑन करा, विंडो ओपन करा मतलब लाइट आने के लिए, तब जाके वो चुप हुआ। वापस नहीं हो रही, ओ गॉड, उसको बर्प दिलाने के लिए ना आधा घंटा उसी में चला जाता है उसका, वो सो जाता है फिर उसको बर्प ही नहीं आता है, फिर उसके बर्प कर बिना बर्प करवाए ना उसको सुलाना बच्चों को सही नहीं होता। तो फाइनली मैंने आपके साथ एक बोला था कि एम में एक नाम शेयर करना, बहुत सारे लोगों ने प्यार करती है। तो तो फिर पता है मैं ना कुछ टाइम में मैं बैड हो जाता, इसके लिए मम्मी मुझे डांटता।
डरती है। तो एम में मैंने नाम बोला था क्योंकि माहिका, मनालेशा, महेंद्र हम तीनों का नाम है, तो मुझे एम में ही नाम देना था बेबी का। क्या नाम दे, क्या नाम दे, क्या नाम दे करके मैंने माहिका के टाइम पे मैंने सिर्फ माहिका का नाम चूज करा। तो मुझे पता नहीं था लड़का होगा लड़की, इस टाइम पे मुझे नहीं पता था, बट एक गट फीलिंग था लास्ट टाइम पे, तो मैंने माहिका का ही नाम सोच के रखा था। इस टाइम पे कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा गट फीलिंग आ रहा था कि मुझे बॉय बेबी हो सकता है, बट फिर भी मैंने बेबी गर्ल बेबी के लिए 5-7 नेम हमने सिलेक्ट कर लिया था, बॉय बेबी के लिए हमने एक भी नाम सिलेक्ट नहीं करा था। माहिका का बर्थ सर्टिफिकेट उसी दिन हो गया था हॉस्पिटल में, अभी इसका हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा नाम बोला, सजेस्ट करा, ये वो बहुत नाम, बहुत ज़्यादा। एंड आई थिंक ये नाम भी किसी ने सजेस्ट करा हो, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि कहीं में मैंने पढ़ा था, मैंने एक संस्कृत नेम है। माहिका क्या नाम दिया बेबी हमने? माहिका कहाँ पे? ए माहिका क्या नाम दिया हमने? मोक्षीत। मोक्षीत हमने नाम दिया है बेबी का। हाँ, हमने क्या नाम दिया? मोक्षित। MOKSHIT मोक्षित त्रिपाठी, माहिका त्रिपाठी, दोनों का नाम है माहिका मोक्षित। मुझे था कि एम ए में भी बहुत अच्छा अच्छा बॉय बेबी का नाम आ रहा था, बट मुझे था कि एम में ही देना है, एम एम होगा। तो ये एक संस्कृत नेम है, बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये पसंद आया। कैसा लगा प्लीज बताना आप लोग, ठीक है? एंड बेबी बड़ा रो रहा है, उसको मैं अभी फीड कराऊंगी। मेरा दिन ऐसे ही चला जाता है, फीड कराओ, सुसु साफ करो, पॉटी साफ करो, उसको सुलाओ, फिर आधा घंटा माई के साथ रुको, फिर थोड़ा रेस्ट करे जाओ, तब तक बेबी उठ जाता है। एंड यहाँ पे ये डांस, पापा का टाइम नहीं होता है, उनको 5-10 मिनट टाइम मिलता है, वो आते हैं, ये जब सोता रहता है उसको उठा लेते हैं, वो उठ जाता है, फिर उसको मेरे को देखे, फिर मेरा कॉल आया करके ये चले जाता है। ऐसा ही होता है, मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे क्या मैनेज करूं। एंड थोड़ा मम्मी भी नेक्स्ट मंथ जा रही है, सो मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा है, मैं कैसे करूंगी नेक्स्ट मंथ से, क्या करूंगी। सो ये भी था, वो तो आगे को पता चलेगा लेट्स क्या होता है ना। इसको मैं पहले अभी सुला देती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ, वेट करो। एंड कैसा लगा आपको नाम, आपको कैसा लगा? ओ गॉड, सोनू आया था तो मैंने पूछा, वो इतना गंदा गंदा नाम मेरे को चिढ़ा के बोल रहा था सोनू, बोला था माइकल दे दो, माइकल दे दो, फिर बोलते मारता, पता नहीं क्या ही नाम बोल रहा था वो। एंड फाइनली मैंने मोक्षित नाम सिलेक्ट करा, इनको भी बहुत पसंद आया, माही को बहुत पसंद आया। मुझे लगा मोक्षित है तो बहुत पसंद आया, हाँ खेलो। मैं मेरा ये था कि माहिका का नाम जब मैंने दिया था, मेरे को था कि माहिका का निक नेम मैं कुछ अलग से नहीं रखूंगी, जैसे माहिका को उसके बाद मेरा ऐसे मोनालिशा नाम है, बट कोई नहीं बोला था पिंकी पिंकी कर रहे हैं, तो मेरे को था कि माहिका का नाम से ही मैं उसका निक नेम निकाल के दे दूं, तो माही मैंने दिया था, तो सब लोग माही माही माहिका ही बुलाते हैं उसको। इसको भी वैसे ही मैंने मोक्षित दिया है, मतलब कि हम लोग चाहे तो मोक्ष बुला सकते हैं, या तो जिनको मोक्षित बुलाना होगा वो बुला लेंगे, मतलब उसी में से एक छोटा सा निक नेम रख दिया, अलग से कोई निक नेम नहीं रखा अभी, बाकी सारे तो बुलाते ही है। जैसे मेरी मम्मी यहाँ पे सो रहा है एंड माही वहाँ पे उसको जगाने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि माही बैठ नहीं सकती 5 मिनट। हाय मम्मी। एंड ये लाइनर मैंने आज 15-16 दिन के बाद लगाया है, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। हाय मम्मी। मम्मी बोलते तो कैमरा मैन कर आ जाते पहले, बोला कर किंतु वो अच्छी लग रही है, देखो अच्छी लग रही है मम्मी, अच्छी ही लग रही है, क्या हुआ? और बोलो मम्मी। मम्मी तो अपने जाने की बोली, अब इस तरह बांध के रेडी हो रही है, मैं जाऊंगी, बोला मम्मी चली जाएगी, बोल रही है कैसे करेगी। एंड मेरा ये जो नेक एंड ये जो नेक का पोर्शन है ना, मैं धीरे धीरे कम हो रहा है, एक्चुअली मैं नहा भी नहीं पा रही हूँ यार, सर से बहुत डर डर के नहा रही हूँ, मेरी इतने बड़ा सा स्टिच पड़ा हुआ है ना, तो मेरे डॉक्टर ने बोला पानी वहाँ में मत डाला करो अभी बहुत ज़्यादा, तो ये ऊपर का पोर्शन मेरे को नहाने में बहुत मुश्किल हो रही है, फिर कुछ भी लगाने के लिए यहाँ पे ना थोड़ा सा, क्योंकि देखो कब, लेकिन थोड़ा बहुत तो कम हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। ये वाला ड्रेस, ये भी एक फिटिंग गाउन है, मैं अभी मैं इतनी प्रेगनेंसी में इतनी मैंने मैटरनिटी गाउन पहन लिया इस बार की, मैं अभी पक गई हूँ मैटरनिटी गाउन पहनते पहनते, अभी नहीं बट अभी ये फीड करवाने के लिए वाला पहनना पड़ रहा है, लेसी थोड़ा कुछ दिन और वहाँ पे काम। एंड ये यहाँ पे सामान पैकिंग हो गया है, माहिका का सारा डॉल मैंने पैक कर दिया यार, अभी कुछ दिन ही है तो मतलब कुछ नहीं है अभी, मैं ऑलमोस्ट थोड़ा सा और टाइम लगेगा जाने के लिए, मैं स्लो करती हूँ। यहाँ पे बेबी को मैंने सुलाया हुआ है, एक मिनट,
यहाँ पे बेबी छोला है। मैंने ये वाला पूरा पैक कर लिया, ये ओपन इसको रख रही थी। बच्चों के कपड़े का पैदा होते नहीं है उनकी तरह कपड़े हो जाते हैं बच्चों के। देखो 15 दिन का बच्चे का इतना कपड़ा, ये वाला कपड़ा ड्रेसेस है। एंड कुछ कुछ गिफ्ट्स में मिले हैं जो आए हुए थे हमारे फ्रेंड्स लोग भी देखने के लिए ना, उन लोगों ने भी कुछ कुछ गिफ्ट्स में दिए हैं यहाँ पे। टाइम हो रहा है अभी कितना, 9:30। मैंने कब से डिनर कर लिया, मम्मी बहुत अर्ली डिनर करवा देती है, तो हमारे यहाँ पे मम्मी बोले डिलीवरी के बाद बहुत अर्ली डिनर हो जाता है, बहुत अर्ली लंच आपको करना पड़ता है, घर करवा देती है वो 12 बजे तक मेरी लंच करवा देती है वो। कभी कभी तो 12 बजे से पहले ही बोलती है खा ले खा ले। इसको मैं फीड करा रही हूँ, वो थोड़ी देर सो जाएगा तो मैं भी सो जाऊंगी। बहुत लोग बोलते बेबी सो जाता है जब तब आप सो जाओ, लेकिन वो पॉसिबल होता नहीं है, स्पेशली सेकंड प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। एंड पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ भाई के साथ टाइम स्पेंड करने का, अदरवाइज उसको फील होगा यार बहुत ज़्यादा, बेबी है ना वो भी बहुत छोटी सी बच्ची है। एंड अभी किचन विचन में मम्मी काम करने को अलाउ नहीं करती है, ना ही मैं कर सकती हूँ, मेरी बॉडी भी अलाउ कर रही है। आज है 16th डे, कब इतना जल्दी डिलीवरी हो गया, 16th डे हो गए पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको बेबी का नेम ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ एंड बहुत फोर्स भी नहीं कर रही हूँ खुद को कि कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मुझे मुझे पता है मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है मेरे साथ, तो मैं टाइम लेके ही वीडियोज़ बनाती हूँ, डोंट वरी। बहुत लोग बोलते हैं कि आपको इस वक्त रेस्ट करने की ज़रूरत है, मैं बहुत रेस्ट करती हूँ, बहुत थोड़े थोड़े टाइम में, पूरे 2 दिन का ब्लॉग थोड़ा थोड़ा करके बनाती रहती हूँ मैं। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा। बाय, टेक केयर।